गाइस, सबसे पहले गाड़ी को चला के देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास है यहाँ पर थंडरबर्ड एक्स और आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर दूँगा पहाड़ों में गाड़ी को चला के कि गाड़ी कैसी है। ठीक है, तो चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चलते राइट में। पर मेरे को आज रॉयल इनफील्ड ने मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। और आज हम देखेंगे गाड़ी का पिकअप, कटिंग, कंफर्ट, एवरीथिंग गाड़ी में क्या है काम का आपके लिए। तो मैं फ़िलहाल नैनीताल जा रहा हूँ और नैनीताल का मज़ा आपको भी दिखाते हैं, मज़ा आना चाहिए। और नैनीताल पहुँच के इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी पहुंच चुके हैं नैनीताल। नैनीताल में कर रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग रिव्यू की। और नैनीताल काफ़ी अच्छा है, अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो ज़्यादा रश नहीं है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और गाड़ी ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है। आगे जाके इसका पूरा ओवरऑल जो भी कुछ ड्रॉप बैक है और क्या आपके लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात चल रही है। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हैंडल बार की। हैंडल बार जो हमारा पहले थंडरबर्ड के अंदर था और इसके अंदर, मेरे को तो इसका काफ़ी अच्छा और बेटर लगा, क्योंकि इसका हैंडल बार थोड़ा सा आगे को झुक के और मतलब चलाने में ऑसम फीलिंग आती है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर एक चेंज है जो ग्रिप कवर, एक हमारे जो पुराने ग्रिप कवर थे ये थोड़े पतले थे और ये थोड़े मोटे और मुलायम हैं, तो ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल रही है और मतलब हाथों में पेन भी नहीं हो रहा। पहले के ग्रिप कवर में क्या था, एक पेन होने लगता था, इस मामले में ये ग्रिप कवर काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ साइड में आपको बैलेंसर नज़र आएंगे, ये ब्लैक दिखने में ब्लैक लगते हैं पर एक्चुअल में ये हैं इस टाइप के क्रोम, इसके अंदर है ग्रिप चढ़ा हुआ, तो यहाँ आपको देखने में लगता है ब्लैक। टायर की बात करेंगे, फ्रंट टायर हमारा 19 नंबर का अलॉय के साथ आता है विद ट्यूबलेस टायर। इसमें है MRF का टायर पड़ा, जो फर्स्ट टाइम रॉयल इनफील्ड में हमारा आया है ट्यूबलेस टायर अलॉय आया है, और काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है देखने में। देखिए, मेरे को तो पसंद है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अलॉय व्हील पसंद नहीं है। अब पीछे देख लेते हैं, थंडरबर्ड में रियर डिस्क पहले से आते थे, इसके अंदर नया 120/80/18 टायर है विद ट्यूबलेस अलॉय व्हील के साथ। और आपको डिस्क ब्रेक पहले से दिखते हैं, इसके अंदर एक चीज़ कम कर दी गई है, जो हमारा साइड इंडिकेटर पे यहाँ सेंसर लगता था पहले, अभी उसको कट आउट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं उसका सॉकेट आपको रखा हुआ दिखेगा, ये है वो सॉकेट जो खाली छोड़ दिया है कंपनी ने। यहाँ फुल ब्लैक, मैट ब्लैक हमारा साइलेंसर, बैंड पाइप साइलेंसर मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छा लगता है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा फुल मैट ब्लैक। इसमें क्या है, दाग स्पॉट होने के खतरा कम रहता है कि हमारे दाग धब्बे कम लगेंगे। दूसरा बात कर लेते हैं इसकी सीट की। सीट इसकी अभी तक का मैंने रॉयल इनफील्ड की जो इससे पहले थंडरबर्ड थी उसकी भी बढ़िया थी, पर इससे अच्छी शायद ही मैंने रॉयल इनफील्ड में अभी तक कोई सीट देखी हो, क्योंकि मैंने अभी 250 किलोमीटर के आसपास रन कर दिया, पर मेरे को अभी तक का कोई पेन नाम की चीज़ नहीं है। तो सीट में 10 में से 10 पूरे मिलेंगे। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, मेरे को तो पसंद आई। और आपके पास है या आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करनी चाहिए, थंडरबर्ड बेस्ट है, मेरी भी प्लानिंग है। थैंक यू रॉयल इनफील्ड गाड़ी देने के लिए, रिव्यू के लिए, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।